चाय पी आपके साथ, चाय पी आपके साथ ना। पंजाब में दशहरा हुआ, पहली बार मैंने देखा, आमतौर से दशहरे में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। पहली बार देखने को मिला कि पंजाब में दशहरे पर नरेंद्र मोदी जी, अंबानी जी और अदानी जी के पुतले जलाए जा रहे हैं। अजीब सी बात है, आमतौर से दशहरे पर रावण का पुतला जलाया जाता है और 2020 में पंजाब में, पूरे पंजाब में दशहरा पर रावण नहीं जलाया जा रहा है, नरेंद्र मोदी जी का, अंबानी का और अदानी का पुतला जलाया जा रहा है। क्यों? कारण क्या है? आज हिंदुस्तान का किसान, पंजाब का किसान नरेंद्र मोदी जी का पुतला क्यों जला रहा है? बड़ा सवाल है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है और दुख की बात है कि दशहरे पर देश के प्रधानमंत्री का पुतला जलाया जा रहा है। खुशी की बात नहीं, दुख की बात। कारण क्या है? कारण यह है कि जो नीतीश जी ने बिहार के साथ 2006 में किया, वो आज नरेंद्र मोदी जी पंजाब, हरियाणा और पूरे हिंदुस्तान के साथ कर रहे हैं। देखिए भाई और बहनों, शहर का सहारा गांव होता है, गांव का सहारा किसान होता है और किसान का सहारा उसका खेत होता है। खेत के बिना, किसान के बिना शहर नहीं चल सकता, ये हिंदुस्तान की सच्चाई है। और ये जो तीन कानून नरेंद्र मोदी लाए हैं, जिसका पहले पायलट प्रोजेक्ट बिहार में किया गया था, ये तीन कानून हिंदुस्तान के, बिहार के किसान पर आक्रमण है, आपके खेतों पर आक्रमण है, क्योंकि बिहार को नष्ट कर दिया गया। आप याद रखिए, बिहार की जगह को समझिए, बिहार की शक्ति को समझिए। जब महात्मा गांधी दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति से लड़ने जा रहे थे, सुपर पावर था इंग्लैंड, उस समय का सुपर पावर था, दुनिया का सबसे पावरफुल देश था, जब गांधी जी हिंदुस्तान की शक्ति का प्रयोग करना चाह रहे थे, तो हरियाणा नहीं गए, वो केरल नहीं गए, वो उत्तर प्रदेश नहीं गए, वो चंपारण गए, वो बिहार में गए। ये उधर आए, वो इधर आए, क्योंकि उन्हें मालूम था, वो हिंदुस्तान को समझते थे, उन्हें मालूम था अगर हिंदुस्तान को खड़ा करना है, अगर हिंदुस्तान को अंग्रेजों से लड़ना है, तो लड़ाई बिहार से शुरू होगी, चंपारण से शुरू होगी। ये आपकी जगह है। आज आप जाते हो, आपको बताया जाता है, बिहार के युवाओं को बताया जाता है, सपना देखो, अपनी जिंदगी बनाओ, रोजगार ढूंढो। युवा पूछता है, सपना कहां बनाओ, रोजगार कहां मिलेगा, आपको जवाब मिलता है,
बिहार में नहीं, कर्नाटक में, बेंगलोर में, दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, मगर बिहार में नहीं। बिहार में आपको रोजगार नहीं मिल सकता, यह आपकी सच्चाई है और यह आपकी गलती नहीं। आप ये मत सोचिए कि बिहार के किसान में कोई कमी है, बिहार के युवा में कोई कमी है, नहीं। कमी नीतीश जी में है, कमी आपके चीफ मिनिस्टर में है, कमी आपके प्रधानमंत्री में है,